जय श्याम दोस्तों, आज मैं बात करूंगा आपसे गदर 2 का जो ट्रेलर आया है उसके बारे में। तो सबसे पहले इसमें हमें बताया कि कास्ट कौन सी है। इसमें अनिल शर्मा है, सनी पाजी है और अमीषा पटेल है। अब ये जो मूवी है 11 अगस्त को रिलीज हो रही है। मैं आपको बताऊंगा इसमें मुझे क्या चीज़ अच्छी लगी है, क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी है और क्या आपको ये मूवी देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ मुझे अच्छी लगी वो मुझे लगी इसके जो गाने हैं उनका जो फील है। उठ जा काले कावां और मैं निकला गली लेके दोनों इसके रिलीज हो चुके हैं। दोनों का जो फील है उन्होंने सेम रखा है। छोड़ आया मैं वो दिल छोड़ आया, कुछ भी उन्होंने चेंजेस नहीं करे हैं, तो ये चीज मुझे अच्छी लगी है। अब जो चीजें मुझे अच्छी नहीं लगी है उनकी लिस्ट बहुत लंबी है, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखेगा। जो पहली चीज मुझे अच्छी नहीं लगी है वो मुझे लगी इसकी कास्टिंग। ऑफकोर्स ये इसका सीक्वल है तो कास्ट वही को रहनी थी, लेकिन यार सनी पाजी की अब उम्र दिखने लगी है। तुम चाहे उन पे कितना ही कलर लगा दो बालों को, चाहे उनको कितना ही मेकअप कर दो, भाई वो बुड्ढे दिख रहे तो हैं। और बढ़ती जा रही है मैडम जी। वो क्या? थोड़ा प्यार। 60 साल का बंदा है यार, तुम कब तक उनको जवान दिखाओगे यार? अब तो उनके चेहरे पे वो थकावट दिखने लगी है यार। अमीषा पटेल भी अब बूढ़ी आंटी लगने लगी है, तुम एक्सेप्ट कर लो यार। उसके आईलाइनर जो था वो येलो कलर का इतना चुभ रहा था आंखों को, और उसकी बकवास सी एक्टिंग। भाई दीदी आपका हो गया, आप मत करो एक्टिंग, आप बढ़िया आराम से बच्चे बच्चे हो गए उनके साथ रहो, क्यों फालतू ये चक्रम पड़ना है। गजब बेइज्जती है। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। और सनी पाजी यार कभी किसी मूवी में इतना बढ़िया काम करे? थोड़े दिनों पहले चुप आई थी, अब कितना बढ़िया काम कर रहा था और यहाँ पे आगे हक दिया आपने, क्यों हूँ? और ये अनिल शर्मा कौन लॉन्च कर रहा है भाई इसको? इतने चिथड़े करेगा तेरा पूरा पाकिस्तान नहीं गिन पाएगा। अरे ये ऑल्ट बालाजी के हीरो को किसने ये धर्मा प्रोडक्शन का दे दिया भाई? अरे कहा गंगू तेलुगु तुम राजा भोज के सपने दिखा रहे हो? अरे कुछ तो बढ़िया करता भाई, ना डायलॉग बढ़िया, ना शक्ल बढ़िया, ना एक्टिंग बढ़िया। उसके बाद भाई इसमें जो एक्शन सीन, ओ हो, हम तो साउथ वालों को फालतू गाली देते हैं यार, अस्थि तो यहाँ इन्होंने करा है, पूरा मटिया मीट कर दिया एक्शन के नाम पे। एक हथौड़ा लेके चल रहे, हथौड़ा मारा है जीप पे, जीप उछल रही है, उसके टायर अलग से निकल रहे हैं, सनी पाजी इधर से लुक दिए जा रहे हैं। भाई किसको देख रहे हो? क्यों देख रहे हो? ऐसा क्या है तुम्हारे हथौड़े में जो मैं इसके जीप को मारा, जीप उछल गई? बंदे नहीं उछल रहे लेकिन तुम्हारी जीप उछल गई है उससे, क्यों? फिर तुमने सबने ऐसी परफॉर्मेंस दिया। सनी पाजी देखो बढ़िया काम करते हो, बढ़िया चीज है, चिल्लाने के अलावा भी कोई एक्टिंग होती है। अबे साले तभी मेरे माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ हर जगह जाके। तुम्हें नहीं पता तारा सिंह कौन है? अरे नहीं पता तो नहीं पता मैं इसके, तुम कौन से प्रधानमंत्री हो? इंदिरा गांधी के बेटे हो क्या तुम? जो तुम्हें और कोई जानता है बता दो भाई। उधर से मेरा पापा आ गया तो ये कर देगा। अरे भाई तेरा बाप क्या सुपरमैन है? पिछली मूवी में भी हेडपंप भी उखाड़ा था उसने, वो कोई बड़ा काम करा नहीं था। यहाँ पे आके भाई बच्चों के खिलौने वाले हेलीकॉप्टर दिखा रहा है वीएफएक्स के नाम पे। इन्हें जो लोगों का काटा है भाई, भाई इतना पाप नहीं करना चाहिए किसी के साथ। इसके अलावा भाई स्टोरी कुछ भी नहीं लग रही, सारा का सारा स्टोरी उन्होंने ट्रेलर में बता दिया, मूवी देखने का मन नहीं करेगा तुम्हारा, हो कुछ भी नहीं रहा है। पता चला है कि भाई वो साला उसका बेटा है, कुछ काम वाम आता नहीं है उसको, जासूस बन के वहाँ पे पाकिस्तान के आर्मी में गया और पहले दिन ही पकड़ा गया, और जब से पकड़ा गया उसको पे ले जा रहे हैं। इधर से भाई ताराजी उसको लेने के लिए जा रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा भाई कहाँ है, सारी आर्मी के बीच में खड़े हैं, इतनी नली आर्मी है पाकिस्तानी की तो वो कुछ कर नहीं पा रही है। दो बंदे मिल के पूरी पाकिस्तानी आर्मी को चकमा दे के निकल रहे हैं। अरे भाई तो उनको रखा क्यों वहाँ पे, उनके हाथ में बंदूकें क्यों दिए? तारा सिंह जी कौन से फौलाद के बने हो आप? तो यार मेरा तो हो गया दिमाग खराब ही ट्रेलर देख के, जब से देखा है तब से दिमाग में मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं। अपील बस ये की है इस मूवी को जितना ज्यादा है उतना बायकॉट करना, अगर तुम देखने गए कसम तुम्हें तारा सिंह के मुक्के की, वो मुक्का तुम्हारे मुंह पे भी पड़ेगा, तो ध्यान रखना। और इसी के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर लो और देखते रहो एन इंटेलिजेंट एनालिस। थैंक यू। ये कोई तरीका है भीख मांगने का? मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ।
कैसा लगा मेरा मजाक?